अल्लाह रहमान रहीम, आप देख रहे हैं सेलो बेस एग्ज़ाम में जहांगीर। ये हमारे पास जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था रिक्रूटमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन खैबर पख्तूनख्वा और ईटा के थ्रू हुआ था। इसका पार्ट वन है जिसमें सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, वो आज हम उसकी सोलूशन निकाल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिश इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच एक्चुअली वर्किंग ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा टू गेट इन्फॉर्मेशन। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर इसका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, रेंडम एक्सेस मेमोरी या रेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीड मेमोरी, राइट मेमोरी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। हमारे पास रैम जो है वो रीड मेमोरी भी है और राइट भी है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, अ डैश मे बी डिफाइंड एज द मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर अ सिंगल अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर ऑफ डेटा। हमारे पास जो करेक्टर्स होता है वो नॉर्मली 8 बिट्स लेता है, तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो बाइट में हमारे पास 8 बिट्स होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, बाइट। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, अ बाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, 2 नेबल्स, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। एक बात तो ऊपर भी हमने कर दी, एक बाइट जो होता है उसमें 8 बिट्स होते हैं, लेकिन साथ में एक निबल जो होता है उसमें 4 बिट्स होते हैं, तो दो निबल मिलकर 8 बिट बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए बी, बोथ ए एंड बी ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, ईच नोड इन स्टार टोपोलॉजी इज कनेक्टेड टू अ मिनी कंप्यूटर विच कंट्रोल द नेटवर्क। इसमें हमारे पास 4 हैं, कॉर्नर, साइड, सेंट्रल, ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल कंप्यूटर जो होता है उसके साथ सब कनेक्ट होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी और जवाब है सेंट्रल। फिर इसके बाद हमारे पास छठा क्वेश्चन है, द डैश साइन इंडिकेट्स दैट दिस इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंपाइलर, स्टेरिक, डबल बैकस्लैश, हैश और एट द रेट। तो हमारे पास सी लैंग्वेज में हम इंक्लूड करने के लिए हैश का साइन इस्तेमाल करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी। फिर हमारे पास सातवां क्वेश्चन है, द सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ डेट फंक्शन और फंक्शंस, 1, मोर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। हमारे पास सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन तो हर एक प्रोग्राम में होता है, इसके अलावा यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह है बोथ ए एंड बी, मतलब हमारे प्रोग्राम में 1 भी हो सकते हैं या 1 से मोर भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ मशीन लैंग्वेज 0, 1s, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 दोनों पे मुश्तमिल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। फिर हमारे पास 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में हमारे पास, अ हाई लेवल लैंग्वेज इज मच पावरफुल प्रोग्रामिंग टूल देन डैश लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, असेंबली लैंग्वेज। तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये बाकी ऊपर वाले तीनों जो हैं वो ऑलरेडी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, और तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो असेंबली लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है असेंबली लैंग्वेज से ज़्यादा पावरफुल होता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट ऑफ द सी कंपाइलर यूज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE टू डैश सिंपल प्रोग्राम, कंपाइल, लिंक, एग्जीक्यूट, ऑल ऑफ द अबव। IDE एनवायरनमेंट में हमारे पास कंपाइलिंग भी होती है, लिंकिंग भी होती है और एग्जीक्यूशन भी होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। 11th क्वेश्चन है, फिर हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स आर क्वांटिटीज हुज वैल्यूज डैश ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, डू नॉट चेंज, चेंज, विल चेंज, नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास है डू नॉट चेंज। कॉन्स्टेंट जो होते हैं ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डू नॉट चेंज। तो हमारी कॉन्स्टेंट जो है उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कांस्टेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, फ्लोट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। तो प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उसमें फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के लिए हम फ्लोट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13,
In C by C++, the dash is used to issue a new line. \n\n\new\new line. तो हम सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम \n जो है वो न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए \n. 13 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है. क्वेश्चन नंबर 14. रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर डैश वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप 2, 3, 4, 5. रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन वाले, वो हमारे पास टू वैल्यूज़ को जो सेम डेटा टाइप्स के होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है. करेक्ट ऑप्शन इसका है ए. क्वेश्चन नंबर 15. सेंटेक्स एरर रिजल्ट व्हेन द डैश ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड रूल्स सेंटेक्स बोथ ए एंड बी सिस्टम. हमारे पास रूल्स या सेंटेक्स एक ही लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. तो हमारे पास जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को या सेंटेक्स को वायोलेट किया जाता है, उसको फॉलो नहीं किया जाता, तो हमारे पास एरर्स आती हैं. तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं, इनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर का पूछा गया है. एट द रेट साइन, एंड साइन, लेस देन साइन, प्लस साइन. तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं वो प्लस साइन जो है वो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है. इसके अलावा माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह भी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है. तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 17. इन अ स्ट्रक्चर प्रोग्राम द लॉजिकल फ्लो इज गवर्न बाय डैश बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. इसका मतलब यह है कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं. 2, 3, 4, 5. हमारे पास तीन तरह के होते हैं, जिसमें सिक्वेंशियल, कंडीशनल और आइट्रेशन. तो हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन तरह के होते हैं. सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, जिससे जो है 3. क्वेश्चन नंबर 18. लूप प्रोवाइड अ वे फॉर यू टू रिपीट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स एज मेनी टाइम एज यू योर एप्लीकेशन रिक्वायर्स 1, more, both A and B, none of the above. हमारे पास लूप्स जो हैं, अगर आपने ऊपर एक का ऑप्शन दिया होगा तो एक दफ़ा रिपीट होगा, ज़्यादा ऑप्शन दिए होंगे तो ज़्यादा दफ़ा रिपीट होंगे. तो हमारे पास इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है वो बोथ ए एंड बी. इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी. ये जो टेस्ट हुआ था इसके यही क्वेश्चन जो थे पार्ट वन में कंप्यूटर के. सेकेंड पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे, जो कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड है. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें.